हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेटीज यूट्यूब चैनल। तो चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ एसी ब्रिज, जो कि इलेक्ट्रिकल का एक अच्छा टॉपिक है और इंस्ट्रूमेंटेशन से हर साल एक क्वेश्चन आपको गेट में मिलेंगे। और बाकी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बार किसरो, वहाँ भी आप लोगों को एक एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तो चलिए, इसके हम लोग ट्रिक देख रहे थे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर को कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए हमारे पास ब्रिजे था, जो कि था मैक्सवेल ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस ब्रिज, ओम्स ब्रिज एंड नाउ हेज ब्रिज। दिस इज हेज ब्रिज। ओके, तो इसको मैं डिस्कस करूंगा, व्हाट इज हेज ब्रिज। तो मैं बस ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक से कैसे सॉल्व करूंगा, क्योंकि देखिए सक्सेस का आपके पास दो ही रास्ता है, रास्ता नंबर वन, रास्ता नंबर टू। रास्ता एक है, या तो आप मेहनत करें, आप पूरा बुक पढ़ें, सब कुछ पढ़ें, सब कुछ मटेरियल जुगाड़ करें, फिर आप आगे बढ़ें, तो इसमें बहुत डिफिकल्टी है। ओके, रास्ता नंबर दो, रास्ता नंबर दो है क्या, आपका फैकल्टी या फिर आपका टीचर या फिर आपका मास्टर जिससे आप पढ़ रहे हैं, वो मेहनत करे। ओके, वो मेहनत करे, वो आपके लिए कंटेंट बनाए और वो डायरेक्ट आपको डिलीवर करे। ओके, तो ये रास्ता आसान है, तो आप लोग चूज कीजिए कौन मेहनत करना चाहता है। ओके, और वो कमेंट में बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं, कौन मेहनत करना चाहता है। सो देखिए, यहाँ पे हम लोग अब दो बच गया था मेरे पास, जो मेजरमेंट ऑफ इंडक्टर था, एक था हमारा हेज ब्रिज एंड सेकेंड वन इज एंडरसन ब्रिज। बाकी सब का मैं ट्रिक बता दिया हूँ, ये मेरा पार्ट टू है। पार्ट वन जो मेरा फर्स्ट व्यूअर है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो पार्ट वन देख लीजिए, क्योंकि वहाँ ही मेन ट्रिक है। तो देखिए, उसके बाद हमारे पास बचेगा मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, डी सॉर्टी ब्रिज, मॉडिफाइड डी सॉर्टी ब्रिज एंड शेयरिंग ब्रिज। इसके बाद हम लोगों का एसी ब्रिज खत्म हो जाएगा। बाकी जो आईएएस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं बताऊंगा मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड और भी जो है। तो देखिए, यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस वो भी है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं कवर करूंगा सिर्फ ट्रिक से कैसे बनाना है। अब देखिए, हेज ब्रिज, हेज ब्रिज और यहाँ एंडरसन ब्रिज, एंडरसन ब्रिज में हमारा ट्रिक वैलिड नहीं है, बाकी सब जगह वैलिड है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो देखिए, हेज ब्रिज में हम लोगों का क्या होना चाहिए, हेज ब्रिज में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पूछ दिया जाएगा इंडक्टर L1 क्या होगा, R1 का वैल्यू क्या होगा। ओके, थर्ड में पूछ दिएगा क्यू फैक्टर क्या होगा, क्यू फैक्टर। देखिए, जो मैं लास्ट क्लास वीडियो बताया था, वहाँ पे बताया था इंडक्ट, वो जो आपका मैक्सवेल ब्रिज था, वहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा था, सर्किट में रेजोनेंस नहीं हो रहा था, तो सर्किट का क्यू फैक्टर हम लोग नहीं निकाल सकते थे, लेकिन इंडिविजुअल जो भी इंडक्टर है, क्वाइल है, उसका हम लोग क्यू फैक्टर निकालते हैं। ओके, जो कि आपका क्वालिटी बताता है, कैसा क्वालिटी। तो क्यू फैक्टर पूछा जा सकता है, डी फैक्टर पूछा जा सकता है, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है इस सब में, कि आप लोगों को ये आर्म दे दिया गया, बोला जाता है कि ए बी आर्म इससे कनेक्टेड है, ओके, सी डी आर्म लाइक दैट इससे कनेक्टेड है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, सी डी एंड बी डी, चारों आर्म के बारे में दे दीजिएगा एक लंबा पैराग्राफ, और वहाँ से फिर बोलेगा एल वन निकालो। तो आप लोग ऐसे भी क्वेश्चन देख के, क्या होता है, बहुत लोग उसको क्वेश्चन देखते इतना बड़ा क्या दिया हुआ है, वो देख के छोड़ देते, वैसा करना नहीं है, जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए, जो भी ब्रिज बने, आपसे कोई मतलब नहीं, हमको ट्रिक यूज करना है, ट्रिक यूज करो, उससे उसका मैं प्रूफ भी दूंगा आपको, लास्ट 5 ईयर में जितना क्वेश्चन पूछा गया है सारे को मैं ट्रिक से सॉल्व करूंगा, रिसेंट क्वेश्चन 2019, 20, 18 वो सारे मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, अप्रोच क्या है, आप लोग बताइए अप्रोच क्या है। अप्रोच हम लोगों का यही है कि L1 बाई पहले रियल, इस आर्म का रियल पार्ट को बराबर करेंगे जैसा में आ रहा है, ठीक है, उसके बाद इमेजिनरी को करेंगे, इसमें ध्यान रखेंगे हेज ब्रिज है ना, तो हेवी होगा थोड़ा सा, तो इसमें क्या करेंगे, 1+ωc² r4² से डिवाइड करेंगे, बस इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि देखिएगा हम आपको बताएंगे क्यों करते हैं, थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। देखिए, आर वन बाई पहले रियल पार्ट को लिख लीजिए, आर वन बाई या फिर इमेजिनरी को लिखिए, इमेजिनरी को लिखेंगे तो एल वन बाई, इधर कुछ नहीं है इमेजनरी में, तो आर टू ही आ जाएगा, एल वन बाई आर टू इजकल टू, उधर में इमेजनरी में क्या है, कुछ नहीं है, तो आर थ्री आ जाएगा, आर थ्री डिवाइड बाई, इधर में इमेजनरी में क्या है, इधर में इमेजनरी में क्या है, हम लोगों का इमेजनरी को कर रहे हैं ना, फर्स्ट आर्म को देखिएगा, क्योंकि ये अननोन आर्म होता है, अननोन है, यहाँ पे भी ये अननोन है, फर्स्ट आर्म अननोन है, फिर ये अननोन है, फिर डिसोटी में ये अननोन है, राइट, शेयरिंग ब्रिज में ये अननोन है, दिस इज अननोन पैरामीटर, राइट। ओके,
सो एल वन बाई आर वन इज आर थ्री बाई इमेजनरी पार्ट, वन बाई सी फोर होगा, तो वन बाई सी फोर यहाँ पे सी फोर आ गया, सी फोर आ गया। तो मैं क्या बोला आपको, डिवाइड करना है किससे, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर फोर स्क्वायर। ओके, तो इसको डिवाइड कर दीजिए सब में, सबके डिनोमिनेटर में, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर सी फोर स्क्वायर, सी फोर स्क्वायर आर फोर स्क्वायर। ओके, ये हम लोगों को डिवाइड करना है, तो इक्वेशन वन ये हो गया। दूसरा हम लोगों का क्या आ जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व कीजिएगा ना बहुत बिग एक्सप्रेशन आएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है ना, हेज दोनों सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, तो काफ़ी टफ हो जाता है। चलिए, तो ये हम लोगों का हो गया ना, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आर थ्री बाई आर फोर सब में वन प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर हेज ब्रिज, बस हेज ब्रिज और एंडरसन ब्रिज आप याद रखिए, हेज में थोड़ा ट्रिक डिफरेंट हो जाता है, बाकी एंडरसन, बाकी कोई भी दुनिया का कोई भी ब्रिज है आप उससे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका 5 पॉइंट आ जाता है ब्रिज, और इसमें इसमें ओमेगा का वैल्यू अगर लार्ज रहेगा तो वन मिट जाता है, उसको मैं बताऊंगा क्यों इसमें आ जाता है। ये हो गया, चलिए वन प्लस सी फोर स्क्वायर आर फोर सी स्क्वायर डिवाइड करना है नाउ। ओके, मैं मिटा दिया, फिर से मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, क्योंकि हमको ओमेगा निकालना होगा, तो ओमेगा किसको वेरी कराएंगे वो देखना होगा ना, अननोन क्या होगा हम लोग का, देखिए एल वन बाई आर टू, एल वन बाई आर टू इजकल टू इमेज आर थ्री बाई वन बाई सी सी फोर होगा, तो सी फोर वन बाई सी फोर होगा ना, वन बाई सी फोर यही मेरा ट्रिक है ना, वन बाई सी फोर। अगर इसमें बोलेगा कि ओमेगा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ओमेगा का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो आपका डायरेक्ट यही क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, लेकिन कुछ नहीं बोला गया तो हम लोग जनरल रूल से निकालेंगे, सी फोर, सी फोर हो गया। नीचे में हम लोग डिवाइड करेंगे, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर सी फोर स्क्वायर आर फोर स्क्वायर, बस इसका मैग्नीट्यूड, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर सी फोर स्क्वायर आर फोर स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम लोग का इमेजनरी हो गया, रियल को इक्वल करते हैं, आर वन बाई आर टू, आर वन बाई आर टू, यहाँ का रियल पार्ट आर वन, यहाँ का रियल पार्ट आर टू, आर वन बाई आर टू इजकल टू आर थ्री बाई, मैं क्या बोला, आर फोर, आर थ्री बाई आर फोर होगा, आर फोर। ओके, इंटू डिनोमिनेटर में क्या करना है हम लोगों को, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर सी फोर स्क्वायर आर फोर स्क्वायर को डिवाइड करना है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर सी फोर स्क्वायर आर फोर स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये तो मेरा टाइम कॉन्स्टेंट को वायलेट कर रहा है, क्योंकि देखिए आर वन बाई आर टू, ओके यहाँ तो ओम ओम कट गया, लेकिन यहाँ इधर में ओम ओम कैंसिल कॉन्स्टेंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए आर इंटू सी आ रहा है ना, यहाँ पे हम लोगों का टाइम आर थ्री तो ये ओम ओम कैंसिल, लेकिन वन बाई आर फोर सी फोर आ रहा है फ्रीक्वेंसी के साथ, तो यहाँ पे हम लोगों का यूनिट इक्वल नहीं है, तो कुछ मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो क्या कीजिए, मैनिपुलेट में हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऊपर में ओमेगा स्क्वायर है, अगर मान लीजिए वन बहुत ज़्यादा है, मतलब ओमेगा स्क्वायर सिर्फ बहुत ज़्यादा है, तो वन नेगलेक्ट हो जाएगा, वन नेगलेक्ट हो जाएगा, ये भी नेगलेक्ट हो गया। ओके, तो हम लोगों को ऊपर में क्या से मल्टीप्लाई करना होगा कि दोनों का यूनिट सेम हो जाए, तो देखिए एक तो फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, ओमेगा स्क्वायर। ओके, नाउ सी फोर भी एक्स्ट्रा है, सी फोर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, सी फोर स्क्वायर, सी फोर स्क्वायर हो गया। नाउ आर फोर स्क्वायर है, देखिए आर फोर स्क्वायर है, तो आर फोर स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर फोर स्क्वायर गया, आर फोर स्क्वायर। अब देखिए अब हमारा क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर सी फोर स्क्वायर आर फोर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर सी फोर स्क्वायर आर फोर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो यूनिट इक्वल हो गया ना, इक्वल हो गया, बस हो गया, यही करना ही था, प्लस वन कर दीजिए जो भी है, वन प्लस ज़्यादा हो गया, तो हम लोगों को यूनिट इक्वल करना है, टाइम कांस्टेंट इक्वल करना है, क्या टाइम कांस्टेंट है, एल, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, एल बाई आर इजकल टू आर सी, लेफ्ट हैंड यूनिट राइट हैंड यूनिट दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, बस उसी से हमारा सारा ब्रिज सोल्व हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का राइट। अब देखिए दोनों में कौन सा अनकॉमन है, आर टू, आर टू इधर है,
आर टू नहीं है, आर टू भी है, आर टू है L1, अनकॉमन अनकॉमन देखना है ना, जो अनकॉमन होगा वो होगा। देखिए यहाँ पे इसका हम लोग क्या निकालेंगे, क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर कैसे निकालेंगे, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू सीरीज में है L by ओमेगा, L by ओमेगा L by R। ओके ओमेगा एल बाई आर, अब किसका निकालना है अननोन, तो R1 L1 R1, ओके L1 R1। अब हम लोगों का L1 भी आ गया है एंड R1 भी आ गया है। सो देखिए L1 R1 ये कीजिएगा तो यहाँ से Q फैक्टर आ जाएगा, Q फैक्टर यहाँ से निकालिएगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/C आ जाएगा। कैलकुलेशन है यहाँ पे, Q फैक्टर आप लोग निकाल सकते हैं, वैल्यू दिया रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर जब भी पूछेगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू दे के पूछेगा, तो वहाँ पर हम लोगों का इजी वे हो जाएगा। ओके नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका क्यू फैक्टर निकाल लिए। ओके क्यू फैक्टर निकाल लिए तो ये हमारा क्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सी हो जाएगा, तो क्यू हमारा लेस 100, इसके पहले जो हम लोग मैंने पढ़ाया था उसमें क्या पढ़ाया था, ओम्स ब्रिज तो यहाँ पर आया था, उसके पहले क्या था मॉडिफाई, ये हम लोग का क्या था मैक्सवेल कैपेसिटेंस ब्रिज, उसमें क्या डिमेरिट था, वो लेस वैल्यू ऑफ क्यू को मेजर कर रहा था, क्यू क्योंकि क्यू उसका क्या आ रहा था, क्वालिटी फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा था सी, तो अगर सी मेरा कैपेसिटेंस लेस है तो इंडक्टर मेजर कर रहा था, लेकिन क्यू फैक्टर जब भी हम मेजर कर रहे थे तो लेस वैल्यू का मेजर कर रहे थे, लेस देन 10, क्यू फैक्टर लेस हमेशा लेस देन 10 का मेजर कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर क्यू निकालेंगे तो क्यू फैक्टर हम लोगों का आ जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/C, 1/C जब भी आएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1/C आएगा तो हम लोग ग्रेटर देन 10, क्योंकि 1/C कैपेसिटर किस में होता है, माइक्रो फैराड में होता है, तो 10^6 ऊपर जाएगा, तो हाई वैल्यू ऑफ क्यू हम लोग यहाँ पे मेजर कर रहे थे। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है ये सर्किट का, कौन सा सर्किट, हेज ब्रिज। ओके हेज ब्रिज का ये है। ओके ये हो गया, चलिए हम लोग आते हैं अब एंडरसन ब्रिज, एंडरसन ब्रिज में सेम फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, आप लोग बताइए क्या होगा, बस हेज ब्रिज में ही हमारा फार्मूला वैलिड नहीं था, बाकी सारा जगह, हेज ब्रिज में भी वैलिड था लेकिन हम लोग उसमें एक ट्रिक यूज कर रहे थे, क्या है 1+ ω² C4² R4² को यूज कर रहे थे। अब देखिए ये हम लोगों का इसमें एंडरसन ब्रिज में भी हमारा ट्रिक वैलिड है, कैसे देखिए R1 के लिए R1 by R2 क्या हो जाएगा, रियल पार्ट को इक्वल कीजिए, R1 by R2 इजकल टू रियल पार्ट, R1 by R2 इजकल टू R3 by R4, डायरेक्ट लिख लीजिए, कुछ सोचना ही नहीं, इस आर्म का रियल पार्ट को इक्वेट किए बाई R2, इस पार्ट का रियल पार्ट R3 by R4। ओके नाउ फॉर इसके लिए कैपेसिटेंस सी है, ओके इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंडक्टर मेजर करेंगे, क्योंकि ये सारा मेजर हम लोग ब्रिज पढ़ रहे हैं किसका मेजरमेंट के लिए, इंडक्टर मेजरमेंट के लिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए। तो चलिए वीडियो का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो, ये ट्रिक क्योंकि हमने बहुत इसको एनालिसिस करके इस ट्रिक को बनाया हो जिससे कि आप लोगों को आसानी हो और सक्सेस भी मिले। तो देखिए ओमेगा टू इसके लिए क्या करेंगे, एल इसको हम लोग एल निकालना है, आर वन तो यहाँ से निकाल लेंगे ना, हम लोगों का अननोन क्या है, आर अननोन है ये L1 R1 अननोन है। ओके सेकेंड वन क्या हो जाएगा हम लोगों का, हम लोगों का L1 निकालना है, L1 इजकल टू C R3 by R4, ओके इनटू ये हमारा याद रखिएगा, क्या करना है R को एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, R R2 C R3 by R4 सबको आना चाहिए, देखिए C भी आएगा R3 R4 R2 भी आएगा, ओके R1 तो निकाल लिए, C R3 by R4 इंटू ये R को एक बार इससे मल्टीप्लाई कीजिए R R2 क्या हो जाएगा हम लोगों का, देखिए R into R2 plus ये आर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आर इससे मल्टीप्लाई होगा, अपोजिट आर्म से मल्टीप्लाई होगा, R R4 plus R R4 R R2 R R4, फिर ये एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार ये इससे, फिर इससे, फिर ये दोनों आपस में ABBCCA ऐसा होता है ना, वैसा ही करना है ABBCCA, तो फिर क्या हो जाएगा हम लोगों का R2 R4।
ये हो गया। ओके तो ये हम लोग यहां से भी क्यू फैक्टर हम लोग निकाल लेंगे। क्यू फैक्टर क्या हो जाएगा, ओमेगा L1 बाई R1। ओके L1 यहां से पता हो गया, R1 यहां से पता हो गया। तो इंडर्सल ब्रिज भी हम लोग एजी है। क्या क्या याद रखेंगे आप लोग, मेरे साथ बोलिए, सी R3 बाई R4 इंटू R2 R4। ओके बस हमारा जो भी था 5 पॉइंट ब्रिज खत्म हो गया ये हम लोगों का। तो हम लोगों को जो भी मॉडिफाई करना है हम लोगों को बस दो ही सर्किट में, ओवरऑल कितना सर्किट, 1 2 3 तीन और उधर 4 5 6 7 सात सर्किट है, 7, जिसमें हम लोग मेजरमेंट ऑफ इंडक्टर एंड मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस दोनों करेंगे। उसमें बस दो ही सर्किट ऐसा है जिसमें हम लोगों को मैनिपुलेट करना है। दो सर्किट क्या है हम लोगों का, एक है हेज ब्रिज, ऐसे याद रखिए, हेवी है, हेवी है, वहां हेज हेज जब भी आएगा वहां मैनिपुलेट करना पड़ेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर R4 स्क्वायर। एंड एंडरसन ब्रिज तो फर्स्ट वैसा ही होगा, लेकिन CR3 बाई R4, RR2, AR, फिर AR, इससे ABBC C, ऐसे याद रखिए, खत्म हो गया। नाउ कमिंग टू द सेकेंड, नाउ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, मेजरमेंट ऑफ कैप, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टर। मेजरमेंट ऑफ इंडक्टर में हम लोग क्या क्या सब पढ़ लिए थे, क्या क्या था, मैं एक में था मैक्सवेल ब्रिज, मैक्सवेल, दूसरा में क्या था, मैक्सवेल मैक्सवेल इंडक्टांस ब्रिज, इसमें था मैक्सवेल इंडक्टांस कैपेसिटेंस ब्रिज, राइट, तीसरा में क्या था, ओम्स ब्रिज, ओम्स ब्रिज, फोर्थ में क्या था, हेज ब्रिज, हेज ब्रिज, फिफ्थ में क्या था, हेज ब्रिज के बाद हम लोग क्या पढ़े, एंडरसन ब्रिज, हेज ब्रिज हेवी था जिसमें हम लोगों को दिक्कत हुआ है, 1 प्लस डिवाइड करना पड़ रहा है, रूल लिख लीजिए वही पावर था, लेकिन उसमें 1 बाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R4 स्क्वायर C4 स्क्वायर से डिवाइड किया। ओके बाकी अगर आप सोल्व करना जाएंगे तो वो इम्पॉसिबल है सोल्व करना, और IAS के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडरसन ब्रिज का क्या होगा। ओके ये सी प्रीलिम्स, एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में तो हर साल ही पूछा जाता है, एंड इलेक्ट्रिकल में भी। तो हेज ब्रिज 1 बाई ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर R4 स्क्वायर, एंड एंडरसन ब्रिज का अभी मैं बता दिया। तो 1 2 3 4 5, पाँच ब्रिज इधर हो गया, 5 6 7 8, 8 ब्रिज में टोटल 8 ब्रिज है, 8 ब्रिज में टोटल हम लोग AC ब्रिज पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों का एक ही ट्रिक वैलिड है जो कि मैं बता रहा हूँ। चलिए ये आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, और ऐसा और वीडियो चाहिए तो मैं और भी इस ऐसा ट्रिक का बनाऊँगा, और भी हमारे जो मेम्बर्स हैं वो लोग भी बनाएंगे, मैं उन लोगों से बात किया हूँ। चलिए तो रिसोर्टी ब्रिज में क्या है, रिसोर्टी ब्रिज में सेम फार्मूला यूज कीजिए, यहाँ क्या है, रियल पार्ट तो है नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट में क्या लिखेंगे, 1 बाई C1, ये अननोन है, ये अननोन है मेरा, क्या होगा C1, सॉरी कैसे लिखेंगे, वन लिखने का तरीका 1 बाई C1 डिवाइड बाई 1 बाई C2, दिस बिकम्स इमेजिनरी पार्ट है, इधर में तो इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो सिंपल लिखेंगे R3 बाई R4। अब देखिए टाइम कांस्टेंट इक्वल हो रहा है कि नहीं, अगर टाइम कांस्टेंट इक्वल नहीं होगा तो मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, C2 बाई C1 इज इक्वल टू R3 बाई R4। ओके तो C1 R3 इज इक्वल टू C2 R4। तो देखिए RC टाइम कांस्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का टाइम कांस्टेंट इक्वल है, तो नो मैनिपुलेशन, हम लोगों का रिजल्ट सही है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का। ओके और इसका क्यू फैक्टर क्या होगा, क्यू फैक्टर इन्फिनिटी होगा। ओके कोई भी प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटेंस का क्यू फैक्टर ऑलवेज इन्फिनिटी होता है, याद रखिएगा, ये प्योर कैपेसिटेंस है तो इसका क्यू फैक्टर इन्फिनिटी, ये डिसऑर्टी हो गया, राइट। नाउ मॉडिफाइड डिसऑर्टी, मॉडिफाइड डिसऑर्टी में क्या होगा, हम लोगों को सेम सर्किट रहेगा, बस हम लोगों को प्योर नहीं रख के उसमें कैपेसिटी रेसिस्टेंस का यूज कर देंगे। तो देखिए रेसिस्टेंस का नो प्रॉब्लम, दो दो इक्वेशन आएगा R1 और C1, दो निकालना है,
ओके तो रियल पार्ट को कीजिए आर वन बाई आर टू इजकल टू आर थ्री बाई बाई आर फोर। ओके सो यहाँ से हम लोग आर वन क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए यूनिट सेम है ना, ओम 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 कैंसिल, सो आर वन इज कल टू आर टू आर थ्री बाई आर फोर, इक्वेशन वन। राइट नाउ कमिंग टू द सेकेंड, अब इमेजनरी पार्ट को इक्वल करेंगे, इमेजनरी पार्ट को डायरेक्ट इक्वल करेंगे हम लोग, वन बाई सी वन डिवाइड बाई वन बाई सी टू इजकल टू आर थ्री बाई आर फोर। तो देखिए ये हम लोग का क्या आ जाएगा, C2 टू बाई सी वन, ये हम लोग का आ जाएगा C2 टू अपॉन सी वन इजकल टू आर थ्री अपॉन आर फोर आर फोर। ओके ना हम लोगों को यहाँ से क्या निकालना है, C1 निकालना है, तो टाइम कॉन्स्टेंट देखिए मल्टीप्लाई कीजिए R1 C1 RC टाइम कॉन्स्टेंट इजकल टू टाइम कॉन्स्टेंट, कोई मैनिपुलेशन का जरूरत नहीं है, कोई हम लोगों को यहाँ पे डेरिवेशन का जरूरत नहीं है, रियल पार्ट को इक्वल करो, वो बहुत ही हेक्टिक है, उससे कभी ट्रिक से ही आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे। तो C1 क्या निकालना है, C1 निकालना है। ओके सो C2 R4 C2 R4 डिवाइड बाई R3 इजकल टू C1। ओके C1 आ गया R1 आ गया, तो Q फैक्टर क्या होगा इसका, Q फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वन बाई ओमेगा आर वन सी वन। ओके Q फैक्टर ये होगा। अब देखिए आर वन का वैल्यू यहाँ पे जीरो कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो प्योर आपका कैपेसिटेंस हो गया, प्योर कैपेसिटेंस का मैं क्या बोला था, Q फैक्टर इन्फिनिटी होता है, यहाँ आर वन का वैल्यू जीरो कीजिए, Q फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी हो गया, ये भी मेरा वैलिड हो गया बात। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्या हो गया, क्यू फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं ना, तो क्यू फैक्टर निकालिए क्या हो जाएगा, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू वन बाई ओमेगा आर वन सी वन, आर वन हाउ मच, आर वन सी वन को मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो क्या हो जाएगा, आर थ्री कैंसिल, आर फोर कैंसिल, मल्टीप्लाई आर थ्री कैंसिल आर फोर, सी टू आर टू, सी टू आर टू आ जाएगा, हाँ तो ऊपर में हो जाएगा सी टू आर टू। ओके ये हम लोगों का हो गया क्यू फैक्टर। डेसिपेशन फैक्टर क्या होता है, डी फैक्टर हम लोगों को पूछा जाता है, डी फैक्टर इज इक्वल टू वन बाई क्यू फैक्टर कर दीजिए। ओके डेसिपेशन फैक्टर जब भी पूछेगा तो वन बाई क्यू फैक्टर, सो डी फैक्टर क्या हो जाएगा हम लोग का, क्यू फैक्टर हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हो जाएगा ओमेगा डिवाइड बाई सी टू आर टू। सब में रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग यूज करते हैं। ओके नाउ देखिए हम लोगों का आर थ्री, आर थ्री यहाँ भी है, सी फोर यहाँ भी है, अनकॉमन टर्म जो होता है वो वेरिएबल होता है, तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल किसको वेरी करके हम लोग इसको मेजर करेंगे, तो देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, सो आर वन यहाँ पे आर, देखिए आर थ्री कॉमन, आर टू यहाँ पे आर टू, आर फोर कॉमन है, आर टू एंड सी टू अनकॉमन टर्म, तो आर टू सी टू ये वेरिएबल हो जाएगा, इसको वेरी करेंगे इस आर्म को, फिर इसको मैनिपुलेट करके सी वन आर वन निकालेंगे, तो ये हमारा मॉडिफाइड डिसऑर्टी हो गया। ओके डिसऑर्टी में क्या था, प्योर था, प्योर जो होता है वो डिसऑर्टी होता है। ओके सो ये हम लोगों का ब्रिज हो गया, इसमें मैं क्वेश्चन भी करूँगा। राइट नाउ कमिंग द लास्ट ब्रिज इज शेयरिंग ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज में भी सेम, सब जगह मेरा सेम कॉन्सेप्ट, वन आर वन को इक्वल कीजिए रियल पार्ट आर वन डिवाइड बाई, इधर तक कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा वन बाई सी टू, दिस बिकम्स इधर आर थ्री रियल पार्ट को इक्वल कर रहे हैं आर थ्री डिवाइड बाई रियल पार्ट आर थ्री बाई आर फोर। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का टर्म टाइम कॉन्स्टेंट इक्वल नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो टाइम कॉन्स्टेंट इक्वल हो गया, यहाँ देखिए आर वन सी टू, आर वन सी टू, तो ये टाइम कॉन्स्टेंट इक्वल हो गया, इस आर्म का कोई मतलब ही नहीं है, इधर में हम लोगों का टाइम कॉन्स्टेंट इक्वल नहीं हो रहा है, तो देखिए आर थ्री तो ऊपर में है आर फोर नीचे में है, इस आर्म में हम लोग क्या करेंगे, टाइम कॉन्स्टेंट इक्वल हो जाएगा,
इस आर में हम आर फोर की जगह 1/C4 लिख देंगे तो इधर का भी इक्वल हो जाएगा, तो आर फोर को रिप्लेस कर दीजिए आप, आर थ्री डिवाइड बाई 1/C4। तो ये हम लोग का क्या हो गया, आर वन इज कल टू C4 आर थ्री डिवाइड बाई C4 आर थ्री बाई C2। अब देखिए लेफ्ट हैंड का टाइम कॉन्स्टेंट इक्वल टू राइट हैंड का टाइम कॉन्स्टेंट। ओके, तो चलिए आप लोग इस सारे क्वेश्चन को मुंह जवानी बनाएंगे ऐसे, क्योंकि इसको अगर सोल्व करने जाएंगे तो आप लोगों को भी पता है कितना टाइम लगेगा, मुझे बताने का वैसा कुछ ज़रूरत नहीं है। पहला आ गया, दूसरा आर वन आ गया, क्योंकि आर रियल पार्ट को हम लोग करके मनाए थे ना, उसके बाद मैनिपुलेट किया था, आर वन निकल गया, हम लोगों का सी वन निकालना है, राइट। तो देखिए सी वन, तो इमेजिनरी पार्ट 1/C1 डिवाइड बाई इस आर्म का लीजिए 1/C2। ओके, नाउ इधर में आ गया, इसमें क्या आएगा हम लोगों का आर थ्री, इमेजिनरी पार्ट तो इधर कुछ है नहीं तो आर थ्री ही लिखेंगे, इधर का इमेजिनरी पार्ट क्या है 1/C4। तो इधर तो हम लोगों का C4 आ जाएगा, इधर का टाइम कांस्टेंट हम लोगों का आर थ्री C4 इक्वल हो गया, इधर का मतलब इस पहले बार क्या था, इस साइड का इक्वल नहीं था, इस बार क्या हो रहा है, इस साइड का हम लोगों का राइट हैंड साइड का टाइम कांस्टेंट अब खुद से आ जा रहा है, इधर तो कोई मैनिपुलेशन नहीं चाहिए, हम लोगों को इधर मैनिपुलेशन चाहिए। तो हम लोगों को C1 तो निकालना ही है, तो इसको कुछ करेंगे ही नहीं, देखिए C2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, C1 निकालना है ना, तो देखिए यहाँ से हम लोग ऐसा कर देते हैं, R1 C2 इज इक्वल टू C4 R3। अब देखिए C4 R3 तो यहाँ भी है, राइट, C4 R3 यहाँ भी है, अगर हम लोग यहाँ